एंगल से मोशन चेंज होता है विद इन मिली सेकेंड्स। तो वो मैंने तो सारी फिल्में लगभग देख ली हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रभावित मैं नहीं, इतनी सारा इंडिया प्रभावित है। और मुझे नहीं लगता मतलब थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी ये बोलना, लेकिन मुझे अभी तक जितनी माँ के कैरेक्टर्स करती थी, निरूपा राय हो गई, फरीदा जलाल हो गई और भी, लेकिन जो कनेक्टिविटी आपके निभाए कैरेक्टर से जो है हम लोगों ने महसूस की है, वो उस समय भी हमने नहीं की। तो ये तैयारी आप कैसे करती हैं कैरेक्टर्स की? मतलब तो डायरेक्ट कई लोग होते हैं बोलते नहीं ये सब बकवास की चीज़ें, गए स्क्रिप्ट देखे और उन्होंने परफॉर्म कर दिया, और कुछ लोग होते हैं कि प्रोसेस करके जाते हैं कैरेक्टर के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में। थैंक यू। अभिनेता की तैयारी ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्ट हाथ में आई और उसके बाद आपने डायलॉग रट लिए और कुछ एक्सरसाइजेस की और आप शो नाटक या कुछ भी करने लगे। ये एक ऐसी तैयारी है जो ताउम्र चलती रहती है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ पर भी आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथ जो माहौल है, उसको 24/7 आप अंदर ग्रहण कर रहे होते हो। कल हम मिले थे, हम सभी मिले थे और मुझे याद है हम फोटो खिंचवा रहे थे, किसी ने आकर बड़े उनको कुछ ऐसी स्थिति बनी कि समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बात करें, शब्द खत्म हो चुके थे और हमने बस कस के एक दूसरे को इज्जत के पाली थी, आलिंगन सा दिया था। और ये हमारी भाषा है, भाषा जहाँ अपना अस्तित्व शायद खो देती है या कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते शब्द, वहाँ हमारी भावनाएं जहाँ शुरू, वहाँ से वही माने भावनाएं शुरू होती है। और ये हमने अपने घर में देखा है, हमारी माता जी को देखा है, बहनों को देखा है, मामियों मासियों बुआओं नानी चाची फूफी सबको देखा है। हमारे घर में यही होता है, हम भाषा पे ज्यादा जोर नहीं देते, हमें बच्चे से बहुत प्यार आ रहा होता है और हम कहते हैं माँ चपेट उनको कितना मस्ती करते हो, उसमें गुस्सा नहीं होता, वो प्यार ही होता है। तो बात वही है कि हम शब्द कुछ और कह रहे हैं, हमारी भावनाएं कुछ और है। ये हमारी निजी जिंदगी में हम सबने झेला है, हम सभी करते हैं, हम सभी उसी में से गुजरते हैं। और वही हम कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी जो लेखक ने लिख के दिए शब्द हैं, उन शब्दों को तो हम बोल ही रहे होते हैं, पर उसके साथ ही अगर हम कुछ और लेयर्स ऐड कर सके तो वो उस कहानी को थोड़ा और समृद्ध बनाता है, उस सीन को थोड़ा और एनरिच करता है। बेटी मिलने के बाद, बेटी का फोन आने के बाद क्या होगा मुझे निर्देशक ने नहीं बताया था, उसने कहा फोन आएगा दैट से, मैंने अपने आप को छोड़ दिया था और उस वक्त मुझे महसूस हुआ मेरे साथ जो हुआ वो हुआ है, कोई कुछ भी हुआ होगा मेरे साथ हुआ है। अभी भी दिमाग में वो है बेटी का है, बेटी का है। और एक बार फोन आया और लग रहा कि सुरक्षित है ना तू, ओके डन, अब मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। वो एक ऐसा समय है कि आप एक पेरेंट के तौर पे, अभिभावक के तौर पे एक चैन की सांस लेते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, बस खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे यार मेरे साथ हादसा हुआ है, ओके ठीक है, हाँ मेरे साथ भी हादसा हुआ है, वो सेकेंडरी चीज है। और ये हम सब ने अपने घर में छोटे मोटे किसी न किसी तौर पे देखा है, पता चलता है पापा कहीं आ रहे थे स्कूटर में, उनको टक्कर मारती, उनके पैर में चोट लगी है और तभी मम्मी कहती है कि चिंटू घर में नहीं आ रहा है, पापा ढूंढने निकले हैं। चिंटू को ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, दो चपेड़े मारते, वो चपेड़े चपेड़े नहीं है, वो प्यार है, दो चपेड़े मारते और फिर अरे टांग में मेरे चोट लगी है, अब इस पे डेटॉल मारूंगा, वो याद आता है चिंटू के मिलने के बाद। ये अभिभावकों की दुनिया है। और जनरली जो माँ बाप नहीं होते ना, वो नहीं समझ सकते इस बात को, वो लिखी हुई बात कह देंगे कि हाँ हम गुस्सा है, खाना खा लो बेटा, फलाना कर लो बेटा,
और उसके साथ की वो जो लेयर्स होती है ना, वो लेयर्स जिंदगी में से ही मिलती है, जो आसपास नजरें हमेशा खुली रखकर देखना पड़ता है। बात तो इमोशंस की चल रही थी। कल मैं दीदी से बात कर रहा था तो दीदी ने बातों बातों में कहा था कि कोई भी इंसान जो है बेसिकली बुरा नहीं होता है, मतलब इंसान बुरा हो ही नहीं सकता है। तो हम सब के जीवन में कोई कोई है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, चाहे घर में हो, अपने परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, समाज में हो, सबके साथ है, मेरे साथ भी है, लेकिन कल से मेरा व्यू बदला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ दीदी वही बात आप फिर से दोहराएं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेरेंट्स हैं बहुत सारे और सबके जीवन में क्या होता है कि अब मैं बुरे लोग बोल रहा हूँ, सब क्योंकि बुरे लोग, लेकिन उनकी वजह से अपनी जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं, मतलब उनको देख के, उनके बारे में सुन के, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें एक बार डिस्कस करें ताकि लोगों को फ्यू बदले, तो ये अपने लिए है, अपनी मेंटल हेल्थ सही होगी कि आप कैसे सोचेंगे। कल जो हमारी बात हो रही थी, हम यही कह रहे थे कि हम कहानी जब बनाते हैं तो कहानी में एक हीरो हीरोइन कुछ होता है, एक विलन होता है, वो विलन कहानी के फ्लो में अड़चन क्रिएट करता है और उसके बाद जो है कहानी फिर आगे बढ़ती है विलन को मात करने के बाद। पर क्या विलन पैदा इसीलिए होता है कि उसे विलन बनना होता है? जब कुछ तो हुआ होगा उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से, अब भगवान श्री राम हमारे आराध्य है, हम मानते हैं, लेकिन अगर मैं रावण या शूर्पणखा का रोल प्ले करूं, तो मैं अगर शूर्पणखा बनती हूं तो मैं शत प्रतिशत मानूंगी कि मैं बिल्कुल सही हूं। क्योंकि देखो, मैं एक ऐसे सोसाइटी में पली बड़ी हूं, एक ऐसे भाई की बहन हूं जो सर्वशक्तिमान है, और वो अगर चाहती है, मैं अगर चाहती हूँ शूर्पणखा के तौर पर कि मुझे ये बच्चा पसंद है या ये आदमी पसंद है या ये औरत पसंद है और मुझे उसे घर लेकर आना है, तो मुझे आज तक मिलता रहा है। और आज मैंने देखा ना, दो अलग से लड़के हैं और वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने जाके पूछा, मैंने उससे पूछा मुझसे शादी करोगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। उसने कहा मुझसे पूछो। मैंने उससे पूछा शादी करोगे? उसने कहा नहीं। तो इसके पास भेजा, मेरा मजाक बना दिया भाई। मैंने तो सिंपल पूछा था ना, शादी करोगे? मेरा मजाक अगर बना दोगे, मैं राजा की बहन हूँ, राजा की बेटी हूँ, चुटकुला नहीं हूँ मैं, गुस्सा आएगा, आक्रमण करेगी, उसके बाद आप नामकरण काटो, क्योंकि वो शायद आपके संस्कारों में नहीं है कि औरत पहले आगे आए और पूछे, क्योंकि आर्य संस्कृति द्रविड़ संस्कृति में फर्क था और हम मानते हैं। अगर मैं रावण का रोल करती हूँ तो मुझे पता है अगर कोई मेरी बहन के नाक कान काटेगा, भाई साहब मैं उठा के ले जाऊंगा सब पूरे खानदान की, ऐसे कैसे करूंगा, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और आप भी करेंगे, ऐसा आपके साथ होता है, आप ही रावण बनेंगे। बात वहां आती है कि हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? पिताजी ने वचन दिया था, उन्होंने तो नहीं दिया था, वो बोल सकते थे मैं नहीं जा रहा भाई, तुमने वचन दिया था, तुम्हारी बीवी तुम देखो, मेरी तो सौतेली माँ है, पर वो किसी और के वचन के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है ना। तो बात वही है कि आप जो भी किरदार निभा रहे हो उसमें से गलत कोई भी नहीं, गलत से हालात होते हैं, टाइमिंग गलत हो जाती है, कोई जानबूझ के आके आपकी गाड़ी को टक्कर नहीं मारता, कोई जानबूझ के कुत्ते के ऊपर से गाड़ी नहीं निकाल देता, वो तो होता है, आपने एक मालिक कोशिश करते हो इधर से निकलने की कोशिश करते हो उधर से निकलने की कोशिश करते हो, वो हो जाता है। उसके बाद की जो मोमेंट है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो क्षण है, उसमें आपकी हिम्मत से पता चलता है कि आप हीरो है कि विलन है। चोट लगी है, इसे अस्पताल ले जाओ, कुत्ता आधा कुचला गया है, इसे मैं अपने घर समेट के ले जाऊं या इसे नहीं मरने के लिए छोड़ दूं और भाग जाऊं, वहां पता चलता है कि हम हीरो है या विलन है। और वो हीरो होना या विलन होना उसमें भी आपकी बुराई या अच्छाई नहीं है, बात यह है कि उस वक्त मुझे भी डर लग रहा होता है, मेरी गाड़ी से टक्कर हुई है, मुझे भी डर लग रहा है, मेरे भी हाथ पर कांप रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है
पुलिस केस तो नहीं बनेगा। अभी लास्ट वाली कहानी में पति विलन नहीं है, उसने जो बात कही सही है, पत्नी भी गलत नहीं है, अच्छा बच्चा भी गलत नहीं है, वो तो मूड मूड में खोए खोया चला गया, उसका फोन बंद पड़ गया, उसको समझ नहीं आया कि मैं दोस्त के फोन से भी फोन कर सकती हूँ। वो उस वक्त के हालात में ऐसे कुछ हो गया कि हो गया, बस अब क्या करें। तो हम वही कहना चाह रहे थे कि विलन कोई भी नहीं होता, कोई आपके परिवार का ही कोई आपका रिश्तेदारी अजीब ढंग से बर्ताव करता है, और जब हम उसका बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है उसके बैकग्राउंड में कुछ हुआ था। कोई दादी है हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है, ढूंढने की कोशिश करते हैं पता चलता है बचपन में उन्हें इतना अभाव झेलना पड़ा था कि आज वो जब आपके बच्चे आधा चॉकलेट खाकर फेंकते हैं तो उन्हें दर्द होता है कि उस आधे चॉकलेट में उनके 5 भाई बहन खा सकते थे, वो आज आपका बच्चा फेंक रहा है, उन्हें बैठे बैठे दर्द होता है और उस दर्द का रिएक्शन होता है कि वो चिड़चिड़ाती रहती है। हमें हर भावना का हर रिएक्शन का कहीं अधिक कहीं बैकग्राउंड खोजना तो पड़ेगा ही, यही बात थी। आखिरी सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है, तो एक आखिरी सवाल करूंगा कि जब आपको नीरज भाई ने इनविटेशन दिया था कि सीधी आना है, तो उस वक्त जो है आपने क्या आपके मन में कुछ तो आया होगा, सीधी तो किसी ने सुना ही नहीं है, और फिर जब वहां से आप यहां आ गई हैं और 2 दिन आपने बिताया यहां पे, 3 दिन आपने बिताया, और तो अब क्या व्यूज हैं आपके, और जो आने से पहले थे वो क्या व्यूज थे। हाँ एक चीज और बोलना था, नीरज भैया ने शुरू में बोला था कि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जरूर छोटा सा है लेकिन आपने इनविटेशन एक्सेप्ट करके इसको बहुत बड़ा बना दिया है। नीरज से परिचय कई साल पुराना है, एक दो बार ही मुलाकात हुई है ऐसे आमने सामने, लेकिन परिचय बहुत पुराना है, और उनके कामों को हम सीधी के कार्यकर्ताओं के कामों को हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। मैं वहां से उसको फॉलो कर रही हूँ जब नदी सफाई अभियान शुरू हुआ था, उसके बाद आए दिन नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं, और इनका थिएटर का और साल भर फिल्में दिखाने का ये सारा प्रोग्राम पता चला, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जिस स्कूल में कर रहा हूँ उस स्कूल के बारे में जानते हो दीदी, वो सिलेबस के अलावा एक अलग स्कूल है, और उन्होंने कहा था कि सिलेबस तो वो 2 महीने में खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो बच्चा तैयार करते हैं, और मेरे लिए वो बात ऐसी थी कि मुझे वो देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोग हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी 8वीं से ही करवाना शुरू कर देते हैं, या हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा उसी फ्लो में चलना शुरू कर देते हैं, यहाँ एक परिपूर्णता की तरफ ऐसा कुछ कि कोई भी विषय अछूता ना रहे ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बारे में बहुत डिटेल में नीरज बताता रहा है, तो मेरे लिए भयंकर उत्सुकता वाली बात होती है कि ये है क्या, और फिर यहाँ आकर देखा भाई साहब ये मतलब लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक, और डिसिप्लिन ये है यहाँ, अच्छा देखो चुलबुलाता हुआ बच्चा आपको नजर आएगा, बिल्कुल आएगा, पर कोई उसको ये नहीं कहता, बिल्कुल जब मैंने भी किसी स्कूल में देखा था कि ताली बजाने के लिए बच्चों को बोला जा रहा था तो 3 ही ताली बजाना ये कंपलसरी था, आपको कोई भी चुटकुला पसंद आए या कुछ भी हो बस। मैंने कहा यार अगर बंदे को खुशी होती है तो क्या करे, ताली भी ना बजाए। अब 8 साल का बच्चा है, नहीं चुप बैठ सकता भाई, 1.5 घंटे को बिलबिलाएगा, वो वही तड़पेगा उछलेगा आड़ा देना होगा, सुन रहा है लेकिन वो करता रहेगा, और उसे टोकने वाला या कोई नहीं, उसे ये कहते हैं हाँ बेटा ध्यान रखो करते रहो, तुम जो कर रहे हो करते रहो ध्यान रखो, एंड दैट इज समथिंग कि जैसे मुझे लगा कि बच्चे का बचपन जिंदा रखते हुए उसे कुछ देने वाले लोग जहाँ मिलते हैं ना,
वो कमाल की दुनिया होती है और ये वो दुनिया है। थैंक यू।